दोस्तों प्रेशर गेजेस रेंज सिलेक्शन का वीडियो हमने टाइम ड्यूरेशन की वजह से स्टैंडर्ड रेंजेस के बाद विराम दे दिया था और आज इस वीडियो में उसके आगे का कंटेंट जो उस दिन टाइम ड्यूरेशन की वजह से हम नहीं दिखा पाए थे उसको इस वीडियो में दिखाएंगे। तो आइए आज के इस वीडियो में हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं रेंज सिलेक्शन के। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। अभी हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं कि हमें रेंज सिलेक्शन किस तरह से करनी चाहिए। उसके लिए सपोज करो हमारा जो मिनिमम प्रेशर है वो एक बार है, नॉर्मल 3 बार है, मैक्सिमम 5 बार है और डिज़ाइन प्रेशर हमारा 7 बार है। हम अभी 3-4 एग्जांपल लेंगे जिनमें हम मिनिमम, नॉर्मल और मैक्सिमम ये सेम रखेंगे और डिज़ाइन प्रेशर चेंज करके किस तरह से रेंज सिलेक्शन करनी चाहिए उसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम इसमें 3 रेंजेस पकड़ते हैं जिनको हम कंसिडर करेंगे, 0 to 6 bar, 0 to 7 bar और 0 to 10 bar। जब ऑपरेटिंग 3 bar है तो हम अगर सबसे पहले रेंज 0 to 6 सिलेक्ट करते हैं तो 3 जो है वो एग्जैक्टली 50% पर फॉल करता है स्पैन के। 6 का स्पैन है उसका 50% 3 हो गया। ये 1 bar का मिनिमम भी उसमें कवर कर रहा है और 5 bar का मैक्सिमम भी उसमें कवर हो रहा है। अभी डिज़ाइन के लिए रेंज जो हमने सिलेक्ट किया उसकी जो अपर लिमिट है इस केस में जैसे 6 है तो 6 का 120% हम देखेंगे तो वो 7.2 आता है। तो 7 जो है डिज़ाइन हमारा इस गेज में कवर हो रहा है। अगर उसका ओवर रेंज हम 120% पकड़ के चलते हैं तो 7 उसके अंदर कवर हो रहा है। तो 6 bar हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी हम दूसरी लेते हैं जो 0 to 7 bar है उसमें 3 जो है अप्रॉक्सीमेटली 42 से 43% के बीच में फॉल करता है। अभी इस केस में भी 1 bar और 5 bar जो मिनिमम और मैक्सिमम प्रेशर हैं वो कवर हो रहे हैं और डिज़ाइन प्रेशर तो हमारे रेंज के अंदर ही कवर हो रहा है। हमारी रेंज की अपर लिमिट ही 7 bar है तो ये रेंज भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तीसरा आ जाता है 0 से 10 bar का। 0 से 10 bar में 3 हमारा 30% पे बैठ रहा है। तो अगर हम क्राइटेरिया देखें 30 से 70% में हमारा ऑपरेटिंग होना चाहिए तो ये वो क्राइटेरिया को मीट कर रहा है तो ये भी हम रेंज पकड़ सकते हैं। इसमें हमारा मिनिमम भी कवर हो रहा है, मैक्सिमम भी कवर हो रहा है और डिज़ाइन भी कवर हो रहा है। लेकिन अगर मेरे को सिलेक्ट करना है तो मैं या तो 0 से 6 bar पे जाऊंगा या 0 से 7 bar पे जाऊंगा ये वाले पर्टिकुलर केस में जिसमें डिज़ाइन जो है हमारा 7 bar है। अभी हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं जहां पर हमारा मिनिमम, नॉर्मल और मैक्सिमम वही है और डिज़ाइन 8.4 है। इसमें भी हम ये 3 रेंजेस पकड़ के चलते हैं, 0 से 6, 0 से 7 और 0 से 10। क्योंकि हमारा मिनिमम, नॉर्मल और मैक्सिमम सेम है इसलिए हम सेम रेंजेस के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। अभी 0 से 6 की रेंज में जैसे मैंने पहले बताया कि जो 3 है हमारा 50% पे है, 5 bar जो है वो अप्रॉक्सीमेटली हमारा 80% पे आ रहा है। तो ये सब तो मैं बता चुका हूँ कि पहले ही कि ये चीज़ें कवर कर रही हैं। अभी हम आते हैं डिज़ाइन प्रेशर। अगर हम डिज़ाइन प्रेशर 120% पकड़ते हैं 6 का तो वो 7.2 होता है। अगर 130 पकड़ते हैं तो 7.8 होता है। लेकिन अगर हम 150% पकड़ते हैं तो वो 9 आता है। तो अगर हम 0 to 6 की रेंज पकड़ें और उसमें ओवर रेंज जो है हमारा वो हम सिलेक्ट करें कि हम 150% हमें चाहिए तो हम इस गेज को यूज़ कर सकते हैं। अगर हम 7 bar में करें तो जो ऑपरेटिंग मैंने बताया 42 से 43% के बीच में आता है, फिर जो हमारा डिज़ाइन है वो इस केस में अगर हम 7 लेते हैं तो 120% है वो एग्जैक्टली 8.4 आता है। तो उस केस में हम इसको 0 to 7 लेके भी यूज़ कर सकते हैं। अभी अगर हम तीसरी रेंज पे आएँ जो 0 to 10 की है तो उसमें तो सब चीज़ें बीच में फॉल कर रही हैं। 3 जो है वो 30% पे आ रहा है, मिनिमम प्रेशर भी इसमें कवर हो रहा है, मैक्सिमम भी कवर हो रहा है और डिज़ाइन प्रेशर भी रेंज के अंदर ही कवर हो रहा है। अगर इस केस में मेरे को सिलेक्ट करना है तो मैं 0 to 7 पे जाना चाहूँगा। अभी हम तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हमारा मिनिमम, नॉर्मल और मैक्सिमम वही 1 bar, 3 bar और 5 bar है लेकिन डिज़ाइन प्रेशर हमने ले लिया 12 bar। अभी अगर हम इन्हें भी उन्हीं 3 रेंज पे टेस्ट करें
जीरो टू सिक्स पे, जीरो टू सेवन पे और जीरो टू टेन बार पे। तो जीरो टू सिक्स और जीरो टू सेवन ये अगर हम रेंज लेते हैं तो इसमें हमारा जो डिजाइन प्रेशर 12 बार का है वो कवर नहीं होता। सेवन का अगर हम 150% पकड़ते हैं तो 10.5 आता है, 12 नहीं आता है। ऐसे केसेस में हम अगर 0 टू 6 और 0 टू 7 की रेंज सिलेक्ट करते हैं तो हमें इसके साथ में गेज सेवर लगाना पड़ता है। गेज सेवर मैं अपने एसेसरी के प्रोग्राम में आपको बता चुका हूं कि ये सेट पॉइंट जो भी इसमें सेट कर दिया जाता है उससे ज़्यादा प्रेशर गेज पे नहीं जाने देता। तो अगर हमारा 0 टू 6 बार का गेज हम सिलेक्ट करते हैं तो हम गेज सेवर जो है वो 6 की सेटिंग वाला ले लेंगे ताकि 6 से ऊपर प्रेशर उसमें गेज में जाने ही ना दे। अगर 7 बार का है तो हम 7 बार का सेटिंग वाला गेज सेवर इसके साथ में लगा के इस गेज को यूज कर सकेंगे। ये एक आपके लिए फोटोग्राफ मैंने दिखाया है कि कैसे गेज सेवर को गेज के साथ में हम लगा सकते हैं। ये हमारा 4 बार का प्रेशर गेज है तो हम ऐसा गेज सेवर सिलेक्ट करेंगे जिसकी सेटिंग हमने 4 बार पर कर रखी हो। एक रेंज के लिए यूज होने वाला जो गेज सेवर है वो दूसरी रेंज के गेज के लिए सूटेबल नहीं रहता। फिर अगर हम 0 टू 10 बार की बात करें तो 0 टू 10 बार में जो 12 है वो 120% फुल स्केल डिफ्लेक्शन में कवर कर रहा है तो हम 0 टू 10 की रेंज भी इसमें यूज कर सकते हैं क्योंकि ऑपरेटिंग हमारा 30% पे आ रहा है और मिनिमम और मैक्सिमम प्रेशर भी उसमें कवर कर रहा है, डिजाइन प्रेशर भी 120% एफएसडी में कवर कर रहा है तो हम इसमें 0 टू 10 बार का गेज यूज कर सकते हैं बिना किसी एसेसरी के, बिना गेज सेवर के। नेक्स्ट जो हम एग्जांपल लेते हैं उसमें सपोज करो हमारा डिजाइन प्रेशर वहां पर 15 बार है तो अगर हम 0 टू 6, 0 टू 7 और 0 टू 10 बार की रेंजेस वाले प्रेशर गेज को चेक करें तो 0 टू 6 और 0 टू 7 बार में 15 बार जो है वो इवन 150% पे भी कवर नहीं हो रहा। जैसे 12 बार नहीं हो रहा था तो 15 बार कहाँ से होगा। तो इस वाले केस में भी हम इनको यूज कर सकते हैं लेकिन उसके साथ में हमें गेज सेवर प्रेशर गेज के साथ में लगाना पड़ेगा जैसे मैंने अपने लास्ट एग्जांपल में आपको बताया था। अगर हम 0 टू 10 का प्रेशर गेज सिलेक्ट करते हैं तो हमें उसमें सिर्फ एक चीज मैन्युफैक्चरर से कहना पड़ेगा कि इसमें हमें ओवर रेंज जो है वो 150% चाहिए ताकि 10 का 150% मतलब 15, ताकि गेज जो है वो 15 बार का डिजाइन प्रेशर कवर कर सके। अभी एक हम फाइनल और एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमारा मिनिमम प्रेशर जो है हमने स्पेसिफिकली इसमें 0.6 बार पकड़ा है और डिजाइन प्रेशर हमारा 7 बार हमने इसमें लिया है। तो अगर हम रेंजेस की बात करें तो हमें उस तरह से रेंज इसमें सिलेक्ट करनी चाहिए कि जो हमारा वैक्यूम साइड पे जो प्रेशर है वो भी उसके अंदर कवर हो। अभी हम एक स्पैन सिलेक्ट करते हैं 6 बार का, यानी रेंज हम ले लेते हैं -1 to 5 क्योंकि हमें नेगेटिव जो मिनिमम प्रेशर है वो भी बीच में कवर करना है। तो 6 स्पैन के लिए जो हमारा 30% है वो बैठता है 1.8। लेकिन अगर हम -1 to 5 में बात करें तो 1.8 - 1 0.8, तो 30% -1 to 5 की रेंज के लिए वो बैठता है 0.8। अगर 50% की बात करें तो 6 का जो 50% है वो 3 है, लेकिन -1 to 5 में वो कहाँ फॉल करेगा, वो 3 - 1 जो, क्योंकि हमारी नेगेटिव साइड पे -1 से शुरू हो रहा है तो इसका मतलब हमारा जो 50% है वो 2 हो गया। अगर हम 70% की बात करें तो 6 का 70% हो जाता है 4.2। अगर हम -1 to 5 में बात करें तो 4.2 - 1 3.2 हमारा 70% हो गया। मुझे उम्मीद है कि ये जो मैंने आपको कंपाउंड रेंज में 30% 50% 70% कैसे निकालते हैं वो आपको समझ आया होगा। तो अगर हमें अभी रेंज सिलेक्ट करनी है -1 to 5 की तो -1 to 5 में हमारा मिनिमम कवर हो रहा है, -1 से अगर हम 0 की तरफ चलें तो उनके बीच में -0.6 आता है, 3 बीच में कवर हो रहा है -1 to 5 में,
मैक्सिमम जो है वो हमारा 5 के ऊपर जाकर कवर हो रहा है। अगर हम इस केस में 150% की ओवररेंज पकड़ते हैं तो हमारा जो डिज़ाइन प्रेशर है वो 7.5 तक के लिए सूटेबल हो सकता है, लेकिन इस केस में हमारा डिज़ाइन प्रेशर तो 7 है, तो हम -1 to 5 की रेंज हम सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें जो उसमें ओवर रेंज है वो 150% FSD लेकर चलना पड़ेगा। अभी दूसरा स्पैन जो हम पकड़ते हैं वो है 7 का, इसमें हमने रेंज ले ली -1 to 6 की। -1 to 6 के केस में 30% जो है वो 1.1 बैठ जाता है, जिस तरह से मैंने आपको पहले समझाया था। 50% अगर पकड़ें तो वो 2.5 बैठता है, 3.5 - 1 2.5। अगर 70% की बात करें तो 70% जो उसका है 3.9। इस केस में हम -1 to 6 बार की रेंज प्रेफर करेंगे, क्योंकि हमारा इसमें ओवर रेंज जो है वो 120% FSD पर फॉल करता है। दोस्तों, प्रेशर गेज रेंज सिलेक्शन का यह वीडियो टाइम ड्यूरेशन की वजह से हम आज यहीं पर ही विराम देते हैं, और अपने अगले वीडियो में हम IBR एप्लीकेशन के लिए रेंज सिलेक्शन कैसे होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और EN स्टैंडर्ड और ASME स्टैंडर्ड के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।